चलिए इस बीच इप्का लैब एक बार फिर से देख लेते हैं। अब ये काउंटर 73 रुपए नीचे 485 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी 13% की गिरावट। और आपको याद होगा 3 दिन पहले ही हमने इनफैक्ट जो एक हमारा खास सेगमेंट होता है बचना ज़रूरी है, उसमें चेतावनी दी भी थी दर्शकों को कि थोड़ा इस शेयर से बचेगा। हम ऐसे शेयर्स या फिर ट्रिगर्स बताते हैं उस शो में कि जहाँ पर फिलहाल आपको बचना चाहिए। तो उसमें हमने इप्का लैब के बारे में कहा भी था कि इनके जो कुछ प्लांट्स हैं वो हो सकता है फिलहाल इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो। और ये काउंटर उसके बाद, अब तो खैर खबर ही आ गई, ये काउंटर करीब 12.5% नीचे 487 पर। सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई हैं। सिमी, इप्का लैब्स 12% नीचे, 3 प्लांट पर इम्पोर्ट वार्निंग भी है, क्या सलाह होगी आपकी? जी मेन फार्मर में जब करेक्शन आता है तब उसमें बाय करने का सलाह तो नहीं दे सकती, इनफैक्ट अवॉइड करूँगी या सेल पोजीशन भी ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट मेजर सपोर्ट अराउंड 469 के आसपास है, 669-67। अगर किसी भी हाल से 467 का लेवल जो मैंने बताया, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद थोड़ा बहुत रुक सकता है, वो अगर लेवल टूट गया तो ये सीधा 420 तक आ सकता है। तो मेरे पास इसमें कोई मतलब बाय कॉल तो है नहीं, कोई भी मतलब रैली में सेल करने का ही सलाह होगा, 420 तक का टारगेट नीचे देखने को मिल सकता है। इस बीच जरा मिड कैप में चलते हैं, मिड कैप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में? मिड कैप में कुछ आज के स्टार प्राइस परफॉर्मेंस आप देखिए। अजंता फार्मा को ये करीब 4% ऊपर कारोबार कर रहा है, अच्छी तेजी लेकर कारोबार कर रहा है। अशोका बिल्कुल अगर आप देखें 2% ऊपर 144 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, 3 रुपये की मजबूती यहाँ पर है। फिर आप देखिए बल्लापुर इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर 152 के स्तर पर, यहाँ पर अभी भी तेजी है, 15-20 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। फिर आप BHL में स्ट्रेंथ है, लॉटी है एक बार फिर से, सेंचुरी प्लाई और डालमिया भारत लगभग 2.25% ऊपर 817 के क्लस्टर में कारोबार कर रहा है, 18 रुपये की मजबूती लेकर। SD एलमूनियम ये तेज़ है इस वक्त, मिड कैप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज यहाँ पर तेज़ी है और अगर आप देखें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग्स जो हैं वो होटल लीला वेंचर्स, ये 7% ऊपर। इंडिया सीमेंट्स को देखिए, आज भी ये स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर 8775 के क्लस्टर में। आशीष, आई मीन सीमेंट्स ने वाइब्रेंसी तो दिखाई है और अपनी तरफ ये वॉल्यूम्स भी जनरेट कर रहे हैं, एंड स्पेशली मिड कैप सीमेंट्स में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है इस वक्त? जी वीरेंद्र, अगर आप देखो तो मैं पूरा सीमेंट स्पेस पे बुलिश हूँ, रिजल्ट वाइज भी और उसके बाद भी। अगर आप देखो एंटायर पिकअप और डिमांड जिस तरह से है, तो नेक्स्ट 3 महीने में कहीं ना कहीं अच्छा डिमांड पिकअप रहेगा और प्राइस भी, रियलाइजेशंस भी बहुत अच्छी आ रही हैं। मैं स्टॉक स्पेसिफिक सीमेंट में यही कहना चाहूँगा कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। फ्रंट लाइन में अगर आप चाहो तो ACC अंबुजा में अभी भी स्पेस बाकी है, वहाँ पर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अल्ट्राटेक स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दैट कुड बी है, लेकिन अल्ट्राटेक को खेलने के लिए प्रॉक्सी बेट होगी उसका ग्रासिम का होल्डिंग के थ्रू, जहां पे हमें लगता है अभी भी करीबन 300-350 रुपए की गुंजाइश बाकी है। मिड कैप सीमेंट में अगर आप देखो तो हाइडलबर्ग सीमेंट हमारा वन ऑफ द पिक्स रहा है, 65 से हम रिकमेंड कर रहे हैं, वहाँ पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम बाकी है अभी भी। और छोटे मझौले शहरों में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसा मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, तो वो सब स्टॉक्स पे आप डेफिनेटली फोकस करें। ये एक सेक्टर है जो हमें रिजल्ट के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज ऑल्सो वॉल्यूम पिकअप हमें नेक्स्ट क्वार्टर भी आते हुए अच्छा लग रहा है, और जो बीता क्वार्टर है वो भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संजीव, इस बीच शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मिड कैप के कुछ जो मूवर्स उन्हें क्विकली देख लेते हैं। एक तो अजंता फार्मा है, ये करीब 3.5% ऊपर ठीक वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। स्ट्राइड्स शासुन और एक काउंटर है जो कि इस समय 2% ऊपर है। वक्रांगी, पिरामल एंटरप्राइज, रैमको सीमेंट्स और वोकहार्ट, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर इस समय अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। और साथ ही L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स और सेंचुरी टेक्सटाइल, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मूव अच्छा इस समय देखने को मिल रहा है।